आप देख रहे हैं आईबीएन 9 और मैं हूं आपके साथ कल्याणी महाजन। आइए रूबरू होते हैं अभी की ताजा खबरों से। समाज सेवी श्री गौरव वर्मा काफी समय से इंदौर में सेवा प्रदान करते हुए दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं और वहीं समय समय पर गरीबों को भोजन भी वितरण करने में वे हमेशा आगे रहे हैं। MY में भी काफी समय से वे अपनी सेवाएं निरंतर प्रदान करते रहे हैं। ऐसे जाबाज जोशीले समाज सेवी और नेक दिल इंसान द्वारा आज एक बार फिर से दरियादिली दिखाते हुए कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए इंदौर को 5 ऑक्सीजन मशीन लोकप्रिय विधायक महापौर प्रत्याशी श्री संजय शुक्ला को भेंट करके जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए श्री गौरव वर्मा के द्वारा अनुकरणीय कार्य किया गया है, जिसे हमेशा इंदौर याद रखेगा। इस भेंट का उद्देश्य यह है कि अगर इन मशीनों के द्वारा किसी की जान बचती है तो इससे बड़ा पुण्य का काम और कुछ नहीं हो सकता। गौरव वर्मा, हमारे गौरव वर्मा जी ने तो समाज सेवी, ये ऐसा नहीं ये 8 मशीन दी, उसके पहले भी MY के अलावा, उसके अलावा हर लॉकडाउन के अंदर उन्होंने बहुत सेवा करी। आज उन्हें उनके दोस्तों द्वारा, गौरव वर्मा जी इंदौर में नहीं होने के बावजूद भी उन लोगों ने ये मशीन की व्यवस्था करके मेरे पास भेजी, इसलिए भेजी है कि इंदौर की जो जनता को हम ऑक्सीजन के बिना मरने नहीं देंगे, तो उसके लिए आज उन्होंने मशीन भेजी। मैं अपने आभार प्रकट करता हूँ और इंदौर वासियों से निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे ही आप ऐसी धर्म के काम के आगे आए कि अपन ने हमेशा धर्म के आगे, भले राम मंदिर बनाना हो तो अपन ने करोड़ों रुपये दिया, या कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम हो या सामाजिक कार्यक्रम हो या स्पोर्ट्स गतिविधि, सब में हम इंदौर में आगे रहते हैं, सफाई के नाम में सब में आगे रहते हैं, परंतु आज इंदौर को बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि हम शहर के लोग 2 या 3 मिनट सांस नहीं लेते हैं तो मर जाते हैं, परंतु जो बीमार आदमी है उसको एक मिनट सांस नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा। परंतु आज इंदौर शहर के अंदर आदरणीय गौरव वर्मा जी और उनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो इंदौर में ना होने के बावजूद उन्होंने आज ये मशीनें भेजी, तो मैं अपनी ओर से, मैं इंदौर शहर के वासी की ओर से उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ, आदरणीय विनय बागडीवाल जी, आदरणीय विशाल पटेल जी की ओर से और इंदौर शहर वासी की ओर से, जो अभियान हमने चलाया था इंदौर में ये बहुत सक्सेस हो रहा है, इससे पूरे इंदौर नहीं पूरे मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में लोगों को मालूम पड़ा कि ऑक्सीजन मशीन से तत्काल ऑक्सीजन बनती भी है, तो पूरी मशीनें हर जगह मेरे पास फोन आ रहे हैं, राजगढ़ विधायक हो, छिंदवाड़ा विधायक हो या भोपाल विधायक हो, हर किसी के फोन आ रहे हैं कि भाई हम वो मशीन दिलाइए, सब दूर मशीन कम बनने लग गई है, हम मशीन की दूर कमी नहीं आने देंगे। मैं सब लोगों से निवेदन करता हूं मशीन अस्पताल में लगवाएं, अस्पताल के बाहर लगवाएं, क्योंकि वहां मरीज बहुत सीरियस होकर आते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं। मैं एक बार फिर गौरव वर्मा जी समाज सेवी हमारे उनको बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं और इंदौर वासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग ऐसे ही सहयोग करें, आगे बढ़ाएं, इंदौर का नाम आगे बढ़ाएं। जो गौरव भाई ने, वर्मा जी ने आज 5 मशीनें जो भेंट करी अस्पताल के लिए, उनको जैसे ही मुक्ति धाम का उन्होंने जब देखा कि इस तरीके का जो कि यार मुझे इसके लिए प्रयास करना चाहिए, और एक छोटा सा उनका परिचय है कि बहुत काफ़ी लंबे समय से वो पर्दे के पीछे रह करके MY में 1.5 साल तक गरीब लोगों को खाना खिलाना, गरीब बच्चे जो इलाज के लिए जिनका नहीं हो पाता उनको जाकर के अस्पताल में पैसे दे के आना, और वो अपना नाम नहीं आने देते हैं कहीं भी, लोग आगे आएंगे उनको देखते हुए, तो आज समाज के लिए जनकल्याण का गौरव वर्मा जी को मनीष मिश्रा। खबरों का सिलसिला IBN 9 पर यू ही बादस्तूर जारी रहेगा, आप देखते रहिए IBN 9। हर खबर का होता है असर, हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। अगर आपको पसंद है हमारी खबर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और आपके पास है अगर कोई विज्ञापन या खबर तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल करें।